वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जा रहे हैं, एक तो वीकेंड शुरू हो गया, तो वीकेंड आते ही हमको अंदर से चूल हो जाती है कि कहीं तो जाना है, कहीं तो निकलना है। और ये वीकेंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल हुआ है बाकी वीकेंड से, बिकॉज हम जा रहे हैं मेरे घर। मेरा घर है जो कि रांची के पास है, मतलब रांची से कुछ 5 to 6 hours का जर्नी होता है। So, वो है। और आप सोचो, पुणे से झारखंड का प्लान हमने बनाया है और सिर्फ और सिर्फ ये हमारे अच्छे खासे ड्राइवर एक्सपीरियंस, 35 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये भी एक्साइटेड है, उसको गाड़ी चलाने का जो है ना क्रेज, वो उसको बहुत ज्यादा है, तो उसको बहुत मजा आने वाला है। और टोटल किलोमीटर्स के बारे में बात करूँ तो किलोमीटर्स कितना है, आई थिंक 1540 एक साइड से है सिर्फ जाने का। सो हमारा प्लान है 1 week का, और क्योंकि दिवाली खत्म हो चुका है और छठ पूजा की तैयारी होने वाली है, सो यही है मेन रीजन कि हम हमारे घर जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट का लास्ट ईयर का अगर आपने व्लॉग देखा होगा, हमारा छठ पूजा व्लॉग, तो वो 1 साल पहले का था, दो साल पहले का था। तो लास्ट ईयर नहीं जा पाए थे, बट इस बार भी हमारा प्लान बहुत ज्यादा कुछ था नहीं जाने का। बट वो होता है ना, अगर छठी मैया का आशीर्वाद रहे और छठी मैया का अगर मन है कि आपको बुलाना है, तो वो आपको जाना ही है कैसे भी करके। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि टिकट्स और ये सब कुछ हमने ट्राई किया बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी ऐसे नहीं हो पाया, बिकॉज हमने बहुत ही देर से प्लान करना सोचा। लास्ट मिनट प्लान था, तो इसलिए उतना ज्यादा टिकट का और ये सब बहुत मारा मारी रहता है अभी छठ पूजा के टाइम, छठ पूजा दिवाली के टाइम। तो हमने प्लान किया कि अभी हम गाड़ी से ही जाएंगे, तो हम निकल गए हैं 4:30 की जगह, जो कि प्लान था सुबह 4:30 निकलने का, बट हम निकले हैं 5:45 को, और तब से हम चले ही जा रहे हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 100 kilometers कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ा अंधेरा ही था जब हम निकले थे, अभी थोड़ा लाइट हो गया है, अभी मुझे लगता है कि सनराइज भी होने ही वाला है। हो चुका, बट सूर्य भगवान क्यों नहीं दिख रहे, तो वो हो गया है शायद सनराइज। सो अब तक का अपडेट यही है, और आगे तुमको कुछ बोलना है? यस, पूरा ट्रिप में मेरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज का, क्योंकि हम जाने वाले हैं समृद्धि महामार्ग, जो एक्सप्रेसवे है, वहां से हम जाने वाले हैं। तो अभी वो नासिक के आसपास ही है, तो अभी हम वहां पहुंचने वाले थोड़ा देर में, और फिर वो पता नहीं 450-500 kilometers का एक्सप्रेसवे है, तो फिर उसमें गाड़ी चलाना है, और इसलिए मैंने ये ट्रिप प्लान किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारा अलग प्लान था, मेरा अलग प्लान है, बट एट द एंड प्लान यही था कि हमको छठ पूजा में जाना है। सो गाइस, हम कोशिश करते हैं कि छठ पूजा में हम मतलब मिस ना करें छठ पूजा, बट कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ प्लान और बन जाता है, या फिर कुछ ऑफिस का काम ज्यादा हो जाता है, या कुछ इसके चलते प्लान नहीं बन पाता, बट हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि छठ पूजा में चली जाओ घर। सो यही है, फिर हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे कहीं, अगर एबी का मन हुआ। वैसे तो मैंने खाने का बहुत कुछ ले लिया है, मैंने आलू का पराठा लिया है, चटनी भी लिया है, बहुत सारे स्वीट्स लिए हैं, और भी बहुत कुछ है खाने को, स्नैक्स आइटम्स, सो ये सब कुछ है। अभी देखते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं या फिर क्या करते हैं, वो एबी का मर्जी। और इस बार हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, सो आपको वॉइस बहुत क्लियर आएगी, बस So, ये बहुत ही बड़ा इंट्रो हो गया। चलिए अभी मैं आगे आपको बात करती हूँ, जब ब्रेकफास्ट लिए रुकते हैं कहीं तब। चलो बाय बाय। पुणे नासिक हाईवे से एग्जिट लेने के बाद हम आ जाते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे, और स्टार्ट में ही आपको एक टोल मिल जाता है जहां आपका व्हीकल का एंट्री पॉइंट ट्रैक होता है।
एंड फिर यहाँ से आप जिस भी जगह एग्जिट लेते हैं वहाँ तक का आपका टोल डिडक्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमरावती तक ही जाना है तो आपका टोल सिर्फ नासिक टू अमरावती का ही कटेगा। ये एक्सप्रेसवे अप्रॉक्सीमेटली 564 किलोमीटर्स का है एंड यहाँ पे फोर व्हीलर कार्स का स्पेशली स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना ही खाली आपको मिलेगा जैसे आप अभी देख सकते हो। सो यहाँ पे आप पीसफुली ड्राइव कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे एंटर करते ही अराउंड 20 किलोमीटर्स के अंदर हमें फर्स्ट पेट्रोल पंप मिल जाता है जहां आप फ्यूल रिफिल कर सकते हैं बिकॉज यहां सभी पेट्रोल पंप 50 टू 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। एंड हर पेट्रोल पंप के एग्जिट में आपको कुछ फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट वाइज वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो जितना हो सके आप घर से खाना लेकर आओ वो बेटर होगा और एल्स गो विथ सिंपल फूड आइटम्स लाइक मैगी। ये मेरा जुगाड़। सो गाइज अभी एक्सप्रेसवे में हमने कुछ 40 किलोमीटर्स कवर किया है और उसके बाद आरपी को भूख लग गया था बिकॉज हम पौने पाँच बजे से निकले हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:15 सो ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स हो गया और हमने कुछ खाया नहीं था। सो एक्सप्रेसवे में जो फर्स्ट पेट्रोल पंप मिला था जो कि 20 किलोमीटर्स आप एंटर करते हो एक्सप्रेसवे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है वहाँ पे खाने का भी था ऑप्शन बट आरपी घर से आलू पराठा लेके आई है और इसको आलू पराठा खाना था। तो अभी हम एक्सप्रेसवे में रुके हुए हैं जो यूटर्न जो रहता है तो वहाँ पे ही अच्छा खासा स्पेस रहता है तो वहाँ पे हमने पार्क कर दिया है सेफली अवे फ्रॉम द मेन 6 लेन हाईवे और अभी तक तो बहुत मज़ा आया। और अगर आप यहाँ पे एट अ स्ट्रेच चलाते रहते हो ना तो आप 5 आवर्स में इजली 550-560 किलोमीटर्स ये जो पूरा एक्सप्रेस वे वो आप कवर कर सकते हो बट हमारा है कि हर 3 घंटे में रुकना है बिकॉज गाड़ी को भी आराम देना है। तो इसको देखो कितना भूख लगा है, कोई मतलब ही नहीं है सबसे बात करने में, इसको बस खाना है। ठीक है तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी, आलू पराठा निपटाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप रहेगा जहाँ पे फूड ऑप्शंस रहेगा वहाँ रुक के थोड़ा सा कुछ खाएंगे। ठीक है, इसको तो चाय ये चाय पिएगी और फिर मैं इडली वड़ा कुछ खा लूंगा। क्यों नाश्ता ये क्यों नहीं कर रहा? नहीं वो खाऊंगा, आलू पराठा खा लूंगा हाफ। ठीक है गाइस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे। देखो मेरा बेबी लेके आ रहा है, चाय कहाँ मिल गया? बस यही था यहाँ पे। चाय है? Yes. It's locked. So guys, expressway में
खाने का ऑप्शंस बहुत कम है। ये थर्ड पेट्रोल पंप है, आई थिंक 150 किलोमीटर्स पे ये थर्ड पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे बस ये चाय मिला है, और उधर आपको शायद वो पीछे फ्रूट स्टॉल दिख रहा होगा, बस यही है। सो अपना खाना जितना हो सके आप लेकर आना, और जो फर्स्ट पेट्रोल पंप था ना वहाँ पे अच्छा एक फूड मॉल था, तो अगर कहीं मिलता है तो आप अपना जो स्टॉक है वो भर लो, बिकॉज आगे क्या मिलने वाला है कुछ आता पता नहीं है। तो अभी बस ये चाय ज़बरदस्ती का पीना पड़ रहा है मुझे। आपकी चाय कैसा है? देखा अब नहीं लग रहा कि मैं पी पाऊँगा। चलो ठीक, ओके ठीक है गाइज, नेक्स्ट स्टॉप पे मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसी टाइप के स्मॉल फूड जॉइंट्स आपको मिलेंगे पूरे एक्सप्रेसवे में। और यहाँ कई सारे एनिमल पासिंग भी बनाया गया है ताकि एनिमल्स दूसरे साइड जाने के लिए रोड्स का यूज ना करें। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम एक्सप्रेसवे को एग्जिट करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हमारा टोल डिडक्ट हुआ था वो था 975 रुपीज़। सो पुणे से नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बट हमारा रोड ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज ये ट्रिप एंड होगा जब हम आरपी के घर पहुँच जाएंगे जो कि झारखंड में है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगेन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।